तो अभी हम लोग सुबह सुबह अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ आ चुके हैं अनलोडिंग करने के लिए। और सुबह का 6:30 बज रहा है, बल्कि मैं सुबह 5 बजे उठ गया था रेडी होने के लिए। तो अभी हम लोग मालांचे आए हैं, खड़गपुर का मालांचे, वहाँ पे अभी हम लोग का माल अनलोडिंग होगा। तो फिर मिलते हैं छोटे से ब्लॉग में, ओके। और यहाँ फाइनली हमारा जो ट्रैक है मटेरियल के साथ वो आ चुका था, तो इसको हम लोग को जल्दी से खाली करना था, क्योंकि हमारा जो ये मार्केट है ये मेन रोड है, और मेन रोड के ऊपर में ये गाड़ी लगा के काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग, जब भी आप कुछ भी मटेरियल अगर अनलोड करते हो तो या तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग करो या फिर लेट नाइट करो, ताकि आपको मार्केट के हिसाब से जो भीड़ वगैरह एरिया है वहाँ पर आपको डिस्टर्ब ना हो और कोई भी ऑब्जेक्शन ना आए। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग का टाइम चूज़ किया था, और इसके हिसाब से यहाँ हमारा ट्रक भी आ गया था और हम लोग सारे स्टाफ को लेके भी हम आए थे सुबह, जैसे मैंने आपको बताया। तो फिलहाल यहाँ पे अभी हमारा जो टाइल्स है वो अनलोडिंग होने के लिए रेडी है, ओके। तो अभी जो है हमारा गाड़ी लगने के बाद यहाँ पे अभी हम लोग अनलोडिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है मेन रास्ता है, तो ये चीज़ का भी हम लोग को ध्यान देना है। इसलिए अभी हम लोग का टाइम भी हो गया है, 7:45 हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मटेरियल को अनलोड करते हैं, ओके। तो ये है हमारा आज का मॉर्निंग का छोटा सा अपडेट कि अभी हमारा कलकत्ता से खड़गपुर के लिए मटेरियल आ चुका है, और यहाँ पे हम लोग का मालांचा में ये मटेरियल टाइल्स खाली हो रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का आराम से जो टाइल्स है, ये जो आप पेटी देख रहे हैं ये हमारा 4:02 का पेटी है, और ये हमारा 4:02 का था, यहाँ पे जो है 5:32 का है, और यहाँ पे 8x32 का है, तो सारा साइज़ मिक्स था। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग मटेरियल अनलोड कर रहे थे, तो ये सब में हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब भी अगर आप टाइल्स वगैरह स्लैब वगैरह सिलेक्शन करते हैं, जैसे ये जो हमारा साइज़ है ये 5:32 का है, तो आप हमेशा अपना जो जगह है ना, मतलब सीढ़ी वगैरह स्टेयर वगैरह मटेरियल को अनलोडिंग करने के लिए ऊपर में पहुँचाने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्लाइंट का चॉइस था, इसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, जैसे आपको पता ही है। तो ये जो आप स्लैब देख रहे हैं ना, ये स्लैब हमारा 5:32 का जो है टाइल्स, ये हम लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया। लेकिन सबसे प्रॉब्लम हुआ हम लोग को ये वाला टाइल्स को उठाने में, क्योंकि जो टाइल्स का साइज़ है ये हमारा 5:32, मतलब ये 8 फीट बाई 32 इंच का है, जैसे कि इसमें हम आप देख सकते हो, और काफ़ी वेटी माल होता है ये। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा जो सीढ़ी था ना वो बहुत ही छोटा था, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। अगर ये कॉर्नर थोड़ा सा भी टूटेगा तो फिर ये आपको काम भी नहीं लगेगा, या फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके साथ में भी हम लोग को ध्यान रखते हुए यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को अनलोड कर रहे थे साइट पे, टीम वर्क के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसको अनलोड कर रहे थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो। तो इस तरीके से ये सब चीज़ों का, बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप टाइल्स वगैरह सिलेक्शन करते हैं या फिर आप अपने साइट पर अनलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा सेकंड फ्लोर में ये टाइल्स को अनलोड करना था, यहाँ पे हम लोगों ने किया भी, और हमारा जो टीम है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, हम लोग उसको गाइड कर रहे थे, और उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे इसको अनलोड किया, जो कि हमारे लिए बहुत ही टेंशन वाली बात थी ये बड़े वाली टाइल्स के स्लैब में। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टाइल्स को अनलोड किया, और इसके बाद आपका नया नया अपडेट जो भी आएगा इस साइट के रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको कुछ भी जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, ओके। तो सुबह से ये टाइल्स अनलोडिंग करते करते हम लोग 7 बजे से लगे थे काम पे, 7:15 पे, 7:30 बजे, और अभी 9:30 बज गया है, और अभी भी आधा घंटा से 1 घंटा लगेगा, क्योंकि जो बड़ा वाला स्लैब है ना ये 8x32 का जो है, इसको उठाने में थोड़ा टाइम लगला हम लोग का साइड पे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारा जो 2x4 का है, सारा 32x5 का जो है वो सारा उठ गया है, लेकिन अभी जो स्लैब है हमारा वो स्लैब अभी हम लोग यहाँ पे उठा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे में यहाँ पे 4 बंदा वो लगा हुआ है उठाने के लिए। और सीढ़ी जो है बहुत छोटा है, लेकिन टाइल का साइज़ के बारे में बड़ा होने की वजह से हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर काम चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे में ये लोग उठा रहे हैं, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, ओके। तो ये था आज का छोटा सा अपडेट, ओके।